नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो क्या कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते, क्या कांग्रेस के लिए आगे काम करते नजर आते? और सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते तो शायद आज इसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी एक अलग पहचान है, जनता उनके साथ खड़ी होती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जनता उस वक्त भी सिंधिया के साथ खड़ी रही जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से किनारा किया है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कमी खल रही है मध्य प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि वहां पर कमलनाथ के रहते वो काम नहीं हो पा रहा है। जनता कमलनाथ पर, दिग्विजय पर उतना भरोसा नहीं करती है जितना सिंधिया पर भरोसा करती थी। लेकिन ये बात सोनिया गांधी ने अनसुनी की। ठीक यही राजस्थान में हो रहा है। जनता राजस्थान की सचिन पायलट पर भरोसा करती है, सचिन पायलट के साथ खड़ी है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वहां पर भी परिवारवाद कांग्रेस पार्टी खेल रही है। वहां पर भी गहलोत को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि 36 कौम का नेता सचिन पायलट को माना जाता है। जनता सचिन पायलट पर भरोसा करती है और चाहती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इन सब के बीच फिलहाल जो हालात हैं वो ये सीधे तौर पर इशारा कर ही रहे कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ धोखा करके कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज पार्टी के तमाम नेता याद भी करते हैं, जिनमें खुद कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे नेता है जो दरअसल आए दिन किसी न किसी तरह की जो बयानबाजी करते हैं उसमें सिंधिया का नाम वो ले ही लेते हैं। यानी कि देखा जा रहा है कि सिंधिया का कितना बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी में था, क्या उनका दबदबा था। लेकिन इस बात को सोनिया गांधी ने अनदेखा करके अपने लिए मुश्किलें मोड़ ले ली। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के कई और नेता जो पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, अगर वो पार्टी के अंदर बड़ी भूमिका निभाते, अगर पार्टी उनको सही जिम्मेदारी देती, अगर पार्टी उनके बारे में सोचती तो शायद कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह टूट रही है, कांग्रेस पार्टी की हालत जिस तरह से खराब है, पार्टी की हालत इस तरह खराब नहीं रहती। खैर, अब आने वाले वक्त में तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि उन्हें परिवारवाद चुनना है या फिर उन्हें नेताओं को चुनना है, चुनाव चुनना है। कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे और यही परिवारवाद है जो कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाटा जा रहा है, खाया जा रहा है। और ये परिवारवाद आज कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा दिखता नजर आ रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सीधे तौर पर आगे भी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर पार्टी ने जल्द ही कई बड़े कदम नहीं उठाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।